नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे घर बैठे अनियन जूस बना सकते हैं और अनियन जूस के क्या फ़ायदे होते हैं, अनियन जूस है आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जो है इसके जो हैं क्या क्या जो हैं बेनिफिट हैं और किस तरह से इसको अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे मैं बता दूं कि अनियन का जो जूस होता है वो आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अनियन में जो है सल्फ़र पाया जाता है। तो दोस्तों, सल्फ़र जो है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए जो है नए बाल उगाने के लिए सल्फ़र जो है बहुत ही अच्छा जो है काम करता है। तो अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है, अगर आपके दो मुँह हैं, बाल है, डैंड्रफ है, या फिर आप ये लीजिए आप ग्रे हेयर हैं, समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों से प्रकार की किसी भी समस्या है, बाल अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये अनियन जूस जो है आपको बहुत ही अच्छा काम करता है। आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली जो है अनियन का जूस बना के बताऊंगा और उसको अप्लाई भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, अनियन का जूस बनाने के लिए आपको लेना है अनियन। अभी इसकी मात्रा जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितना जूस बनाना है। मैंने एक अनियन लिया है, उसको छोटा छोटा काट लिया है। इसके बाद मैं इसको मिक्सर में डाल रहा हूँ ग्राइंड करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। इसके बाद इसको जो है मिक्सर में एक मिनट के लिए ग्राइंड करना है। आग पर अगर जो मोटे अगर प्याज ले रहे हैं तो आप जो है दो मिनट तक उसको ग्राइंड करें। मैंने छोटे छोटे प्याज लिए हैं तो उसको मैं एक मिनट तक जो है ग्राइंड कर रहा हूँ। दोस्तों, ग्राइंड करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े जो प्याज हैं बचे हुए हैं, तो इसको जो है थोड़ा और बारीक करने के लिए मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगा, जिससे जो है ये पेस्ट जो है थोड़ा और गीला हो जाएगा। और जब आप ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे तो इससे क्या है कि प्याज की जो है प्यूरी अच्छे से बन जाएगी और जो आपका जूस है वो भी थोड़ा है ज़्यादा निकलेगा। नहीं तो अगर प्याज बड़े रह जाएंगे तो उसमें जो है फिर आपका जूस नहीं बनेगा और उसमें जो फिर अगर आप जूस निकालेंगे भी तो थोड़ा सा निकलेगा। तो अभी देखिए, प्याज एकदम पूरे जो हैं पिस गए हैं और एकदम प्यूरी बन गई हैं प्याज की। उसमें से ऊपर का जार होता है उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के आप जो है उसको मिक्स कर दीजिए। अभी आप इसको जो है स्ट्रेन करना है, मतलब आप इसको इस छलनी के द्वारा एक बॉईल में आपको इसको छानना है। इसके लिए आप एक छलनी ले लीजिए, नीचे आप जो है बॉईल रख दीजिए और इसको जो है जूस को जो है निकाल लीजिए। दोस्तों, यही जूस है जो आपको आपको बालों में अप्लाई करना है। और आप जो हैं अनियन जूस के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया जूस कैसे निकालना है। तो ये जूस जो है आप अपने बालों पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का भी दोस्तों एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये अनियन जूस जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने बालों की जो स्काल्प होती हैं उसको अंदर जो है अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको एक कॉटन लेना है जिसको रुई बोला जाता है, रुई को लेके आपको उस बॉईल में डिप करना है और डिप कर करके आप अपनी स्काल्प के अंदर बालों के निचली साइड में स्किन होती हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। धीरे 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 पूरा सर पे जो है इसको अप्लाई करना है आपको। और इसके बाद जो है आप अपने सर को जो है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो है आप अपने सामान्य पानी से अपने सर को धो लेंगे। तो दोस्तों, ये है वीडियो अनियन जूस के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।